जलंधर लोकसभा सीट के लिए पिछले दिनों से जलंधर से महेंद्र केपी नाराज चल रहे हैं। अभी तक इनको मनाने कैबिनेट मंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा और राजकुमार बेर का भी आ चुके हैं। केपी के समर्थकों के प्रेशर को देखते हुए पार्टी हाईकमान ने एक रिव्यू कमेटी का गठन किया, जिसकी अध्यक्षता गिरीश गर्ग कर रहे हैं। और इसी उपलक्ष्य में गिरीश गर्ग आज जलंधर पहुंचे और केपी के समर्थकों को आश्वासन दिया कि उनके सम्मान को बरकरार रखा जाएगा। ब्यूरो फिर अचानक न्यूज जलंधर। उसी सिलसिले में केपी महेंद्र जी के समर्थन में बहुत सारे लोग आए और यहाँ पर आकर के उन्होंने अपनी राय रखी और महेंद्र जी के संदर्भ में अपनी समर्थन जाहिर किया और उन्होंने ये चाहा कि महेंद्र जी को भी कहीं ना कहीं सम्मान मिलना चाहिए और उनकी भी बात का ध्यान रखना चाहिए। मैंने सभी लोगों की बात सुनने के बाद उनको आश्वासन दिया है कि मैं उनकी बात को वर्ड टू वर्ड यहाँ से हाईकमान तक पहुँचाने का काम करूँगा और सबसे आग्रह भी किया है कि हाईकमान जो भी निर्णय लेगा हम सबको उस निर्णय के साथ रहना है। हम सबको ये कांग्रेस की परंपरागत सीट है और ये सीट जीत करके और कांग्रेस की झोली में डालना है। जो भी निर्णय हाईकमान करेगा सभी लोगों ने हाईकमान के निर्णय के साथ रहने की अपनी सहमति मुझे दी है। मैं इनकी बात को वर्ड टू वर्ड वहां रखूंगा।